Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says, a body of mass m is thrown at an angle alpha to the horizontal with the initial velocity v naught. Find the mean power developed by gravity over the whole time of motion of the body and the instantaneous power of gravity as a function of time. तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग सवाल के पहले पार्ट को देखें तो उसमें हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है मीन पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब कि इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन है ना, जो ये है ना, तो यहां तक हमसे पूछा गया है कि इस पूरे जर्नी के दौरान मीन पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी कितना आएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि मीन पावर है ना, मीन पावर क्या होता है, वो होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो टोटल वर्क डन अगर हमें निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर एकमात्र फोर्स जो लग रही है इस बॉडी पर वो कौन सी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ मोशन। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वर्क डन किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। तो ये जो मीन पावर है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा के ई अपॉन टाइम टेकन। लेकिन यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, है ना, तो अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो कह रहा हूं तो बाद में भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहां पर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, है ना, तो इस वजह से हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी कह रहे हैं वही बाद में भी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब डेल्टा के की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि मीन पावर डेवलप बाय ग्रेविटी ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो बच्चों ये हो गया हमारे पहले पार्ट का जवाब, है ना। अब हमसे सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, मतलब कि हमसे पूछा गया है पावर बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए बच्चों, हमारे को पता है कि इंस्टेंटेनियस पावर है ना, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, वो होता है dW by dt, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क। और इसके अलावा ये किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर के बराबर। ठीक है, अब हमें पता है कि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है हमेशा, है ना। तो एफ वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, एम जी, और डायरेक्शन के लिए मैं माइनस जे कैप लिख सकता हूं, है ना। मैंने यहां पर क्या माना है, मैंने एक्चुअली माना है कि ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव एक्स की और ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव वाई की। अब हम लोगों को वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, है ना, तो मैं क्या करता हूं, एक्स की दुनिया अलग बना लेता हूं और वाई की दुनिया अलग बना लेता हूं। तो हम लोग यहां पर देखिए क्या बोल सकते हैं, इनिशियल स्पीड, है ना, इनिशियल स्पीड देखिए हमारे को वी नॉट दी हुई थी, है ना। तो ये इनिशियल स्पीड वी नॉट और किस एंगल पर, अल्फा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो मैं यहां पर ux बराबर क्या लिख दूंगा, ux हो जाएगा वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा। इसके अलावा एक्सेलरेशन जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, है ना, तो ex बराबर जीरो हो जाएगा, जिस वजह से vx, है ना, मतलब किसी भी t टाइम पर अगर मैं वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट निकालूं तो वो किसके बराबर आएगा, वी नॉट कॉस अल्फा के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं अगर आ जाऊं y एक्सिस के लॉन्ग, है ना, y की दुनिया में अगर आ जाऊं तो मैं uy क्या लिखूंगा, uy मैं सिंपली लिख दूंगा v नॉट साइन ऑफ अल्फा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ay मैं लिख सकता हूं सिंपली माइनस g, है ना, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कहा है। तो इस वजह से किसी भी t टाइम पर, है ना, अगर मैं किसी भी t टाइम की बात करूं तो मैं vy बराबर क्या लिख सकता हूं, वो मैं लिख दूंगा v नॉट साइन अल्फा माइनस gt। मैंने v बराबर u प्लस at वाला फॉर्मूला यूज करा है। तो देखिए इस यहां से हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों दुनिया की मदद से हमारे पास आ गई वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी कितनी आ गई, वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप, है ना। यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि आधे जर्नी के दौरान वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी पॉजिटिव रहेगा और आधे जर्नी के दौरान वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी नेगेटिव हो जाएगा, जिस वजह से वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी का जो वाई कॉम्पोनेंट है वो शुरुआत में तो अप है ना, पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव हो जाएगा। और एग्जैक्टली कब, वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी, है ना, इस मोमेंट पर जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर निकालने की बात करते हैं ना, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। तो एफ वेक्टर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम जी माइनस जे कैप, इसका डॉट ले लेंगे किसके साथ, इसका डॉट हमें लेना होगा वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस वी नॉट साइन ऑफ अल्फा माइनस जी टी जे कैप।
तो देखिए बच्चों, यहां से अगर हम लोग डॉट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एम जी मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट साइन ऑफ अल्फा माइनस जी टी के बराबर, है ना। तो यही किसकी वैल्यू आ गई, इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू आ गई। तो बच्चों इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास फाइनली जो है ना इंस्टेंटेनियस पावर, इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये देखिए आ जाएगी एम जी स्क्वेयर, है ना, एम इंटू जी इंटू जी एम जी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस एम जी वी नॉट साइन ऑफ अल्फा। तो ये किसके किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई इंस्टेंटेनियस पावर की, है ना, और वो भी किसका फंक्शन आया, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।